नमस्कार, उषा फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, दुकानें बंद है और लॉकडाउन है और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो फिर मैं घर के ही सामान से आसान तरीके से गुलाब जामुन बनाऊंगी। तो मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए, अब मैं बना लेती हूँ। दोस्तों, आज मैं मुरमुरे का गुलाब जामुन बनाऊंगी। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए देखिए मैं क्या क्या ली हूँ। ये मुरमुरा है, अच्छा कुरकुरा वाला है, और चीनी है, और ये दूध पाउडर है, और ये पिसा हुआ इलायची पाउडर है। आप इसे घर में भी बना सकती हैं। इलायची को कूट के और अच्छा बारीक पीस लेंगे तो हो जाएगा। और ये मैदा है और दूध है और तलने के लिए तेल। तो अब मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। ये कटोरी बड़ा वाला है, इसी से मैं दो कटोरी मुरमुरे लूँगी। देखिए ऐसे पूरा भर के। जिस कटोरी से हम मुरमुरे लेंगे उसी कटोरी से एक कटोरी चीनी लेंगे। जैसे दो कटोरी मुरमुरे लेंगे तो एक कटोरी चीनी लेंगे। तो अब मैं मुरमुरे को पीस लेती हूँ बारीक। देखिए मैं मुरमुरे को पीस ली हूँ बारीक। अब मैं इसे आटा छानने वाले छन्नी से छान लेती हूँ। जो भी थोड़ा मोटा होगा वो निकल जाएगा। देखिए ये थोड़ा मोटा था, इसको मैं निकाल देती हूँ। और मैं अब इसमें, ये बड़ी वाली चम्मच है, इससे दो चम्मच दूध पाउडर डालूंगी। और दो चम्मच मैदा डालूंगी। अगर आप इस कटोरी के साइज से अगर मुरमुरे लेंगे तो दो कटोरी, अगर लेंगे तो आप एक कटोरी चीनी लेंगे। और ये मीडियम चम्मच के, मीडियम चम्मच है, इससे आप दो चम्मच दूध पाउडर और दो चम्मच मैदा लेंगे। अगर आप इस टाइप का कटोरी लेते हैं बड़ी वाली, तो आप थोड़े बड़े चम्मच यूज़ करिएगा। देखिए, और मैं इसमें इलायची पाउडर को भी डाल देती हूँ। और मैं अपने हाथ को अच्छे से धो ली हूँ। अब मैं इसे गूंद लेती हूँ। मैं इतना दूध ली हूँ, देखते हैं कितना दूध लगता है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। देखिए गूंदने पर इस तरह से हुआ है। अभी हम इसे और गूंदेंगे, नरम आटा तैयार करेंगे। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। फिर इसके बाद 15 मिनट के बाद इसे और थोड़ा गूंधेंगे, नरम कर लेंगे। जब तक मैं चाशनी तैयार कर लेती हूँ। मैं चूल्हा जला ली हूँ, अब कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ, चाशनी बना लूंगी। जिस कटोरे से मैं मुरमुरे ली थी उसी कटोरे से मैं पानी लूंगी, डेढ़ कटोरी। और ये आधी कटोरी। और जिस कटोरी से पानी डाली उसी कटोरी से एक कटोरी चीनी।
अब मैं चीनी को गला लेती हूँ, गला के चाशनी तैयार कर लेती हूँ। देखिए चाशनी में उबाल आ गया है और इसे मैं इसी तरह से चलाते हुए गाढ़ा कर लूंगी। देखिए 15 मिनट हो गया है, अब मैं इसे और भून लेती हूँ और सॉफ्ट कर लेती हूँ। देखिए ये सॉफ्ट हो गया है कितने अच्छा से गूंध के। अब मैं इसे रख लेती हूँ, इधर मैं चाशनी को भी देखती हूँ। देखिए चाशनी हमारी हो गई है। चाशनी हमें एक तार वाली या फिर ऐसे छू के देखिएगा, अगर चिपचिपी हो गई तो मतलब चाशनी हमारी तैयार हो गई है। तो चाशनी हमारी तैयार हो गई है, अब मैं चाशनी को उतार देती हूँ चूल्हे से और इस भगोने में पलटी कर लूंगी। और इसी कढ़ाई में मैं गुलाब जामुन को भी तल लूंगी। इसे मैं पहले थोड़ा धो लेती हूँ। कढ़ाई को धो के मैं चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ और इसमें तेल डाल रही हूँ। आप घी में भी तल सकते हैं और तेल में भी तल। तेल हमारा जब मीडियम हो जाएगा, मीडियम गर्म हो जाएगा, तभी हम गुलाब जामुन के गोले को तलेंगे। तो अब मैं गोले बना लेती हूँ। मैं हाथ में तेल लगा के हाथ को चिकना कर लेती हूँ और फिर गोल गोल चिकने गोले बनाऊंगी। गोले फटने नहीं चाहिए, एकदम चिकनी होनी चाहिए। देखिए इस तरह से आप इसे गोलाकार भी रख सकते हैं और लंबे भी रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से गोले बना रही हूँ। मैं थोड़ा सा आटा डाल के देख रही हूँ तेल गर्म हो गया कि नहीं। देखिए ये ऊपर आ गया है, मतलब तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं गुलाब जामुन के गोले को भी डाल देती हूँ। आंच हमको मीडियम ही रखना है। अब मैं एक एक करके गोले को डाल रही हूँ। देखिए गुलाब जामुन कितने अच्छे फूल रहे हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर ऐसे कर करके थोड़ा तेल डालते जाएंगे ताकि ये दोनों तरफ से बराबर फूले। अब देखिए एक तरफ ये सिक गए हैं, अब मैं इसे पलट लेती हूँ। इसी तरह से मैं इसे अच्छे से सेक लूंगी। देखिए कितने अच्छे ये लाल हो गए हैं तल के। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और गोले इसमें तेल में डाल लेती हूँ। इसी तरह जो और भी बचे हैं गोले मैं उन्हें तल लूंगी। देखिए कितने सुंदर सुंदर गोले तैयार हुए हैं। और ये जो गोले बचे थे ये भी तल गए हैं, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। और जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब मैं इन्हें चाशनी में डालूंगी। चाशनी भी बिल्कुल ना ठंडी होनी चाहिए और ना ही ज्यादा गर्म होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, तभी आप गोले को चाशनी में डालिएगा। तो ये थोड़ी ठंडी हो जाए तब मैं डालूंगी। देखिए चाशनी हमारा ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडा है ज़्यादा। अब मैं इसे डाल देती हूँ इस गोले को, और हमारे गोले भी ठंडे हो गए हैं।
मैंने पूरे डाल दिए हैं, अब इसे मैं 1-2 घंटे के लिए रख दूंगी तो ये गोले में पूरा चाशनी चला जाएगा। तो मैं इसे अब ढक के रख देती हूँ। देखिए दोस्तों, गुलाब जामुन को चाशनी में भिगोए 2-3 घंटे हो गए हैं और ये कितने अच्छे से भीग गए हैं, पूरा अच्छे से रस को चूस लिया है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी चाशनी अगर थोड़ी पतली हो जाएगी तो आप गुलाब जामुन को ऐसे बाहर निकाल के कुछ कटोरे में और फिर चाशनी को गाढ़ा भी कर सकते हैं, और अगर गाढ़ी हो जाएगी तो आप इसमें थोड़ा गर्म पानी, खौलता हुआ गर्म पानी थोड़ा सा डाल के पतला कर सकते हैं, फिर आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे। इसी तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छे से बनेंगे। तो मैं आपको परोस के दिखाती हूँ। देखिए हमारा गुलाब जामुन बनके तैयार हो गया है और कितने अच्छे से बने हैं। देखिए ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ये देखिए। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं आपके मोबाइल पे आ जाएगा। धन्यवाद।